गृह विज्ञान का सवाल पूछूंगा। एक आदमी 10 ग्राम दाल खाती है। अबे खाती नहीं, खाता है। दाल पत्नी है ना। एक आदमी 10 ग्राम दाल खाती है, ये है गृह विज्ञान का सवाल। गृह विज्ञान गणित का सवाल है। दाल कहाँ बनता है? गणित में बनता है कि घर में बनता है? कहाँ बनता है? घर में तो कहाँ का हुआ क्वेश्चन ऑफ होम साइंस। एक आदमी 10 ग्राम दाल खाती है, तो 10 आदमी कितना ग्राम दाल खाएगी? 100 ग्राम। इसीलिए तो बेरोजगारी बढ़ रहा है। फिर कितना? जब एक आदमी 10 ग्राम दाल खाएगी तो 10 आदमी भी 10 ग्राम दाल खाएगी। कैसे? वो जो कढ़ाई है ना दाल की, उसमें सिर्फ पानी बढ़ाना है, दाल नहीं डालना है उसको। दूसरा पूछो। आप पूछ। 5 सेकंड में 15 फलों के नाम बताओ। 5 सेकंड में 15 फलों के नाम? ये तो भैया कोई भी बता देगा। कोई तो पेमेंट किसको मिलेगा? पहले पेपर है उधर। अच्छा बोलो। 5 सेकंड में 15 फलों के नाम। चलो सेकंड गिन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आया। 12 सेकंड तक बस 3 फल का नाम, 15 फल का नाम बताना 5 सेकंड में। तुम बता सकते हो? मुझे बता दूंगा। चल मैं सेकंड गिनता हूँ फलों के नाम। गिनो। सेब, संतरा, आम, 1 दर्जन केला। एक और पूछो ना। सवाल पूछो। पूछो। ये बताओ किसी अंडा देने वाले प्राणी का नाम। अंडा। मुर्गी। तालियां। ये आधा ही क्यों बजा रहा है? हमारे यहाँ नहीं देता अंडा मुर्गी। दूध देने वाला किसी प्राणी का नाम फटाफट बताओ। सामान्य सवाल। गाय। वाओ। नहीं काऊ। सी और डॉग। अब दूध भी और अंडा भी जो एक साथ दे दे ऐसे प्राणी का नाम फटाफट बताना है, क्योंकि उनके फोन में स्टोरेज कम है। तुम बता सकते हो? नहीं बता दूंगा। दुकानदार कैसे क्या नहीं बोलते हम, लाला जी 1 दर्जन अंडा दे दो और 2 किलो दूध दे दो। हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो तो थोड़ा टेंस